हमारे गांव में दोस्तों बैल सब है, तो इसलिए सुबह सुबह बैल को खोल के और पुआल उवाल दे देते। देखिए पुआल खा रहा है बैल सब। और उधर देखिए दोस्तों, मॉर्निंग में सूरज निकलने वाली है, तो देखिए उधर का व्यू इतना अच्छा लग रहा है दोस्तों। चिड़िया सब कितना सुंदर सुबह सुबह मनोरंजन कर रही है, देख लीजिए। कभी कभी लाइफ में बहुत ज़्यादा टेंशन होती है दोस्तों, तो पता है मेरा मन कैसा, मतलब मेरा मन लगता है ऐसा, मेरा मन कहता है कि काश मैं भी चिड़िया होती, ना कोई रोक होता, ना कोई टोक होता, कहीं पे भी मैं चली जाती उड़ के। मतलब एक होता है ना आज़ाद पंछी, वैसे उड़ती, वैसे फील होता है पता है। लेकिन क्या करूँ, ऐसा नहीं हो सकता है ना। ये आम का पेड़ है दोस्तों, ये आम का पेड़ में बहुत ज़्यादा रात में चिड़िया सब यहाँ बसेरा करती है। देख आप लोग को सुनाई भी शायद पड़ रहा होगा। चलते हैं, चलिए मैदान है, मेरी बहन लोग पहले जॉगिंग कर रही थी, तभी मैं जा रही हूँ। मुझे तभी उठाई दीदी, बोली चलो बोल के, तो मैं बोली कि तुम जाओ, मैं नहीं आऊँगी, इतनी सोची चली जाती हूँ। जा रहे हैं दोस्तों, थोड़ा सुबह सुबह टहल लेने से थोड़ा मन भी फ्रेश लगता है दोस्तों। अब पता है दोस्तों, मुझे मौसम हमारे तरफ ऐसा कर दिया है ना, अभी क्या बोलूँ, मेरे को सर्दी हो गई है बहुत ज़्यादा। रात में भी बहुत अजीब, कल से ही मेरे को सर्दी हो गई, अच्छा भी नहीं लग रहा है। रेर भी दौड़ ली तुम, और इधर इंदु है दोस्तों। हाय इंदु, गुड मॉर्निंग बोल दो। मॉर्निंग। दौड़ ली, कितना चक्कर लगाई? 5 चक्कर लगा दी दोस्तों। इंदु तो 5 चक्कर लगा चुकी है, व्यायाम भी कर रही है। चलिए तब फिर मैं दौड़ती हूँ, चलो मेरे साथ। देख सकते हैं कितना सुंदर सूरज उधर निकल रहा है लाली माँ देते हुए। और ये है मेरा गांव का व्यू। मोहल्ला है मतलब घर है, छोटे छोटे जगह जगह। ओके गाइस, ये है हमारा छोटा सा ग्राउंड, छोटा सा नहीं है बड़ा ही है, लेकिन फिर भी चलिए दोस्तों, तो घर की ओर चलते हैं। अभी घर पे जाके खाना भी बनाना है, घर का सारा काम भी करना है, तो थोड़ा ज़्यादा इधर पे ज़्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे, इसलिए तो चलते हैं। पूरा नहीं मानेंगे मेरे दोस्त लोग, बहुत प्यारे प्यारे दोस्त। हम लोग जॉगिंग कर चुके हैं, अब जा रहे घर की ओर। बड़ा छोटा सा ग्राउंड, उसे हम लोग जॉगिंग करते हैं, यहीं पे सारे लोग आते हैं। आप तो बहुत कम लोग आए, ज़्यादा कोई नहीं आता है। ओ शादी है ना आज गांव में, बराती गया है। अरे बरात गया है ना, सचिन का बरात गया है ना। मेरे दोस्तों लोग को गुड मॉर्निंग बोल दो। गुड मॉर्निंग दोस्तों।
इंदु तो तभी बोल रहा है दोस्तों। दोस्तों मैं आई हूँ गोबर का गोएठा करने के लिए। ये बैल और बकरी और गाय का गोबर है, उसको मैं अभी गोएठा करूँगी दोस्तों, और उसके बाद ये सूखेगा, उसके बाद मैं इसका आग जलाऊंगी। हम लोग लकड़ी और यही गोएठा का ही हम लोग चूल्हा जलाते हैं दोस्तों, उसमें और उसी से हम लोग खाना भी बनाते हैं। और पता है ये गोबर का और भी फायदे हैं, ये हम लोग का गाँव देहात में इससे क्या पूजा जैसे पूजा उजा होता है दोस्तों, तो उसमें निपाई करते हैं। और तरफ तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारा गांव पे ये गोबर से अगर हम लोग नहीं निपाई करेंगे तो हमें मतलब पवित्र नहीं माना जाता। और इसका और भी फायदा है, घर पे इसका गोबर करने से कीड़ा मकोड़ा भी नहीं लगता है, और मतलब बोला जाए तो बहुत चीज में इसका यूज होता है। मैं देखती हूँ फ्लिपकार्ट वगैरह में ये ऑनलाइन डिलीवरी भी होता है, जैसे हमारे इंडिया को छोड़ के फॉरेन में इसे हवन भी करते हैं, मतलब बोला जाए तो इसे बहुत सारे फायदे हैं दोस्तों। चलिए मैं इसको जल्दी जल्दी गुला बना बना के मैं इसको गोबर कर लेती हूँ दोस्तों। ये अभी जल्दी है, ये नहीं सूखेगी, ये तो दिन दो दिन इसको रखूँगी, मतलब यहाँ पे रहेगा, उसके बाद फिर इसको पलट दूँगी, उसके बाद फिर दो दिन तीन दिन बाद में सूखेगा, उसके बाद फिर इसको बोरा में स्टोर करके फिर हम लोग रख देंगे। पतला से कर देते हैं दोस्तों, ये जितना पतला होगी उतनी अच्छी होगी, मतलब गुला गुला कर लूंगी, गुला गुला कर लूंगी, ये जल्दी जल्दी से पतली नहीं मार। इसको भूसी भी डाल के बनाते हैं दोस्तों, लेकिन हम लोग के पास भूसी नहीं है, क्योंकि हमारा उतना धान ही नहीं होता है, तो भूसी कहाँ से होगी, तो इसलिए हम लोग सिर्फ ओनली गोबर का ही कर रहे हैं। बहुत कोई देखिएगा जो धान की स्वाद है ना, तो जो भूसी होती है उसको मिक्स कर करके गोबर बनाते हैं। दोस्तों मैं नहाने के लिए आ गई हूँ, ये झरना है जिसमें हम लोग नहान धोहान करते हैं, इसी में पूरा गांव का लोग यहीं पे आते हैं। देखिए मैं दिखाती हूँ आप लोग को, ये है इसमें पानी खाते हैं दोस्तों, ये वाला छोटा सा है इसमें पानी खाते हैं, और इधर पे नहाते हैं धोते हैं कपड़ा वपड़ा बर्तन वगैरह सब इसी में धोते हैं। देखिए ये कुदरती देन है दोस्तों, देख लीजिए बीच में पत्थर है और फिर साइड में इधर पत्थर है, फिर बीच में छोटा सा गड्ढा है और उधर साइड से उधर से झरना निकलती है दोस्तों। ये छोटा सा ही है दोस्तों, लेकिन इसमें कभी पानी खत्म नहीं होती है। और ये छोटा वाला है, इसमें लेदरा और कंबल वगैरह धोते हैं। Thank you.